अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। आज मैं अपना एमए पाकिस्तान स्टडी सरगोधा यूनिवर्सिटी से एडमिशन सबमिट करवा रही हूँ। मैं आपके सामने ये तमाम प्रोसीजर कंप्लीट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सरगोधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गई, ये देखें सरगोधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गई हूँ। फिर मैं यहाँ पर साइन अप हुई हूँ, मैंने अपना नया अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद मेरे सामने ये पेज आया, ठीक है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है 2021 एनुअल का। सेकंड में मैंने खुद सेलेक्ट किया है एमए पाकिस्तान कंपोजिट, ठीक है, और एमए पाकिस्तान कंपोजिट फ्रेश में हूँ, क्योंकि मैंने सप्ली के पेपर नहीं देना, ये मेरा फ्रेश फर्स्ट एक्सपीरियंस है। उसके बाद ऑटोमेटिकली कम्प्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने एंटर कर दिया है, इस्लाम हो गया मेरा हो गया है। और इसके बाद मेरे ये जो सब्जेक्ट थे एम ए पाकिस्तान स्टडी का फर्स्ट कंपलसरी है, मैंने उसका मीडियम इंग्लिश किया है, उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पेपर उसका भी इंग्लिश किया, थर्ड का भी इंग्लिश किया, फोर्थ में भी इंग्लिश किया, फाइव में भी इंग्लिश, सिक्स में भी इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेपर्स की तरफ, सेवन सिक्स हो गया, उसके बाद ये भी इंग्लिश कर लिया है, सेवन ये भी कंपलसरी है इंग्लिश कर लिया, एट मेरा कंपलसरी है वो भी मैंने इंग्लिश मीडियम कर लिया। अब मेरा कह रहा है कि वो ऑप्शनल अपना सिलेक्ट करो, अब हम ऑप्शनल अपना नाइन नंबर का ऑप्शनल सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, क्या ये आपको मुश्किल होती रहेगी, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। देखें मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी मतलब ये होता है, हो जाता है कि आपको रिफ्रेश नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब आ गया, मैं इसमें से पीएस मास मीडिया यूज़ करूँगी, मैंने मास मीडिया रखना है, उसके बाद मैंने इसमें से इंग्लिश मीडियम ही सिलेक्ट करना है इस बार, ठीक है। इस बार मैं इंग्लिश मीडियम पेपर दूँगी। और दूसरे में आ जाते हैं, अब नेक्स्ट जो मेरा लास्ट पेपर सिलेक्ट होना है, मैं उसमें लीगल पाकिस्तान सिस्टम रखूँगी, और उसके बाद मैं इसमें इंग्लिश ही सिलेक्ट करूँगी, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, यहाँ से वो कह रहा है कि मैं सेव कर दूँ इसको, मैं कह रही हूँ यस कर दें इसको, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर, उसने कहा है कि एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हो गया, ओके हो गया। अब जो मुझे नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जाएगा कि वो कह रहा है कि अपनी इसके अंदर सारी चीज़ें फिलअप करें, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, मैट्रिक मैंने कर दिया था सिलेक्ट, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी देख लेती हूँ, एक दफ़ा मैं देख लेती हूँ अपना सारा कि मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी ठीक है, इंटर अच्छा, वो कह रहा है सेव करते जाओ, बार बार वो कह रहा है सेव करें आप, मैंने इसको सेव कर दिया, उसने कहा यस मैट्रिक को कर दिया मैंने सेव। उसके बाद मैट्रिक के बाद मेरा ये हो गया है, एड्रेस आ गया है, मेरा एड्रेस भी सेव कर दिया उसने, परमानेंट और एड्रेस मैंने ये सारा टोटली सेव कर दिया, क्योंकि मैंने ये एड्रेस दे दिया अपना। अच्छा जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी सिलेक्ट हो गई है, मैं सॉरी आप लोगों के सामने नहीं शो कर सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिया। अब उसने कहा है कि सेंटर मैं ये पिकअप नहीं हटा रही हूँ यहाँ से। उसने कहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर लाहौर है, वो कौन सा है, मैंने उसको लाहौर सेट कर दिया, यस कर दिया, और इसको भी मैंने यस कर दिया, ठीक हो गया। अब ये एग्ज़ाम कन्फर्म कर रहा है मेरी अप्लीकेशन को, ठीक है, मैंने इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया। अब वो कह रहा है आपका चालान फॉर्म जनरेट हो गया। अब मैं देख लेती हूँ कि मेरा चालान फॉर्म कौन सा जनरेट हुआ है, कितने फीस का जनरेट हुआ है, क्योंकि पहले मैंने जब इसको किया था तब ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से ये सारा प्रोसीजर करना पड़ा। पहले मेरी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस साथ आ रही थी, जो कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड होने की वजह से मुझसे वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, और ये मैंने दोबारा किया है। ये सारा प्रोसीजर ऐसे ही होना है, ठीक है। अब हम चालान फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, चालान फॉर्म के ऊपर हमारी फ़ीस सामने आएगी। अभी देख लेते हैं हम, ये मेरा चालान फॉर्म की तस्वीर सामने आ गई, ठीक हो गया। अब आपकी फ़ीस आपके सामने नज़र आ रहा है 8050, ये कंपोजिट की फ़ीस है, ये कंपोजिट की फ़ीस है, ठीक है। आप लोग कंपोजिट की फ़ीस इसी तरह पे करेंगे, यानी कि आठ, ये टोटल 8080 मैंने इसकी
पेमेंट करनी है। ये इस तरह हो गया, कंप्लीट प्रोसीजर हो गया। अब उसने ये कहा है कि जब आप चालान फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक है, जब आप चालान फॉर्म जमा करवा के आएंगे बैंक में, HBL के बैंक में आपने जाके चालान फॉर्म जमा करवाना है, ठीक हो गया। ये लैपटॉप की स्क्रीन की वजह से ये इस तरह का नज़र आ रहा है, खैर इसको मैं वाजे कर देती हूँ। ओके, फिर यहाँ पे चालान फॉर्म ऑटोमेटिकली हो गया, बैंक के ब्रांच का नंबर देना और फिर उसके सबमिटेड डेट देनी है, यानी कि मैं आज तो नहीं सबमिट करवाऊँगी इसको, या मैं मंडे वाले दिन इसको करवाऊँगी लास्ट डेट में। फिर अटैच, उसने कहा अटैच फाइल करना, हमने जो चालान फॉर्म होगा उसको उसकी तस्वीर बनानी है और उसके बाद उसके साथ अटैच करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ही अब हम अपलोड करेंगे, ये देखें लिखा हुआ आएगा, अपलोड होगा तो हमारी फाइल सबमिट हो जाएगी और जो जो फॉर्म होगा पूरा का पूरा आपके सामने आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकालनी है, उसको अटेस्टेड करवाना, उसके साथ अटैच करके ये सरगोधा यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिस में, कंट्रोलर इम्तिहानात के ऑफिस में उसको सबमिट करवा देना है। ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर था जो कि सरगोधा यूनिवर्सिटी, जब भी आप अप्लाई करने लगें तो आप इस तरीके से अपनी सरगोधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। किसी अगर उसमें नहीं जाना चाहते, किसी अगर कंप्यूटर की शॉप पे नहीं जाना चाहते, तो आप खुद से भी ये फॉर्म खुद से भी सबमिट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।